सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 8 के मित्रता नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको लेखक के बारे में बता दूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका नाम हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकारों और आलोचकों में सम्मान के साथ दिया जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा, निबंध चिंतामणि आदि। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने से हुई। अब मैं आपको पाठ के बारे में बता दूं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मित्रता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार मित्रता मनुष्य के जीवन की आवश्यकता है तथा मित्र बनाना उसकी सहज प्रवृत्ति भी है। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, हितैषी और महान कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अतः मित्र बनाने में सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जहां एक अच्छा और सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होता है, वहीं कुसंगति व्यक्ति को अवनति की ओर अग्रसर करती है। मतलब प्रस्तुत पाठ में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है कि मित्रता मनुष्य को प्रगति की ओर बढ़ाती है, और मित्रता अच्छी होती है अगर तो मनुष्य सदैव प्रगति करता है। सत्संगति मनुष्य की प्रगति में सहायक होती है, लेकिन इसके विपरीत अगर व्यक्ति की संगति अच्छी नहीं है, उसकी संगति बुरी लोगों से है, तो फिर वह सदैव अवनति की ओर बढ़ता है, फिर वह प्रगति कर ही नहीं पाता है। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों में उसका हेलमेल हो जाता है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, जब बाहर निकलता है, बच्चों पढ़ने के साथ विद्यालय में आए, विद्यालय से बाहर हॉस्टल में गए, तो आपके मित्र तो बढ़ते ही जाएंगे ना। बाहरी लोगों से आपका मेल जोल तो बढ़ता ही जाएगा। अब वो मेल जोल अच्छा है या बुरा है, इसकी ये तो आप समझेंगे ना। तो सबसे पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, अगर वो एकांत और नहीं रहता, तो उसकी जान पहचान बढ़ती जाती है, धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं उसके मित्र, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों में उसका हेल मेल हो जाता है, कुछ लोगों से उसकी मित्रता हो जाती है, और यही हेल मेल, यही बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है। मतलब मित्रता के रूप में बदल जाती है, यही मिलना जुलना धीरे धीरे मित्रता का रूप धारण कर लेता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर इसके उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, और फिर उसका जीवन उसके मित्रों के चुनाव पर कि उसके मित्र कैसे हैं, मित्र का चुनाव कैसा है, कैसे मित्र हैं, उसी पर उसकी सफलता निर्धारित हो जाती है, आश्रित हो जाती है। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि मनुष्य पर के स्वभाव पर, मनुष्य के आचरण पर उसकी संगति का ही प्रभाव पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। लेखक कह रहे हैं कि जब हम लोग समाज में प्रवेश करते हैं, तो हमारा चित्त बहुत ही कोमल होता है, मन बहुत ही कोमल होता है, और हम हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहते हैं, क्योंकि उसका उस समय हमारा मस्तिष्क जो है बहुत ही शांत रहता है, हम बहुत ही सीधे स्वभाव के रहते हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे हेल मेल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वभाव में हमारे परिवर्तन आता जाता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। उस समय मुझे दीन दुनिया की कोई भी बातें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति उस समय तब परिपक्व होती है,
हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, राक्षस बनाए चाहे देवता। उस समय बच्चे कैसे होते हैं? एक कच्ची मिट्टी के होते हैं। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तनों को आकार देता है, उसी प्रकार से बच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। उनको जिस रूप में ढालो वो उसी रूप में ढल जाते हैं। तो उसी समय बच्चों की आचरण का निर्माण होता है, वो चाहे राक्षस बने और चाहे देवता बने। तो बच्चों के आचरण का निर्माण, सब व्यवहार की भावना, ये सब बच्चों मित्रता पर निर्भर करती है। जैसे वातावरण में, जैसे संगति में बच्चे रहते हैं, उनका रूप उसी ढंग का हो जाता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों का साथ हमें बुरा भी बना सकता है, क्योंकि हमें उनकी हर बात को माननी पड़ेगी। वो जैसा कहेंगे हमें उनकी बात बिना विरोध, बिना रुकावट के माननी पड़ेगी। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसे लोगों की भी मित्रता बहुत बुरी है, क्योंकि ऐसी दशा में तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, कोई रोक टोक नहीं रहता है। जो हम कहते हैं वही सही है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। युवावस्था में बच्चे अपने विवेक को खो देते हैं, अपने विवेक पर ध्यान नहीं देते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परखते हैं। घोड़े को भी लोग खरीदते हैं तो उसके गुण दोष को देखते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। घोड़ा खरीदते समय तो बहुत ध्यान देते हैं, बहुत जांच परख करते हैं, लेकिन क्या मित्र बनाते समय ऐसी बात सोचते हैं, मित्र के गुण दोषों को परखते हैं? नहीं, न मित्र के आचरण और स्वभाव आदि का पर बिना कुछ विचार किए हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं और उनको लगता है कि मेरा मित्र बहुत ही अच्छा है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है, मतलब ये नहीं सोच पाते कि इस मित्रता का उद्देश्य क्या है। यह बात हमें नहीं सूझती।